नहमद व नसल अला रसूल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंटिन्यू है, जिसका हमने पार्ट ए जो था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये ऊपर वाला था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे हैं 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर आपने हमारी ए वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको इसी से ऊपर जो वीडियो मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, तो उसे ज़रूर देखें। और अगर नहीं देखी तो 2.3 और 2.2 की भी लाजमी देखें, क्योंकि उसी में सारा जो कॉन्सेप्ट है इसका बताया गया है, ख़ासतौर पर डिवीजन वाला। जो हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड के ज़रिए से, तो उसी में उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया, तो लाजमी जाके वो वीडियो देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। चलें, जो पहले नंबर में फाइंड करने के लिए कहा है वो कहा है 6। तो बहुत आसान सा तरीका है इसका, बिल्कुल जैसे हमने पिछले ए वाले में काम किया था, एज इट इज़ यहाँ पे काम होगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे हमें जो मालूम करना है 3 डेसिमल प्लेसेस मालूम करने हैं, तो वहाँ पे हमने 2 डेसिमल प्लेसेस मालूम करने थे, तो डेसिमल डाल के हमने 4 ज़ीरो लगाए थे, ऐसा ही किया था। अब जब यहाँ पे हमने 3 डेसिमल प्लेसेस मालूम करने हैं, तो जो हम ज़ीरो लगा देंगे वो डेसिमल के इस तरफ कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, 6 वैल्यूज़ होनी चाहिए। वहाँ पे 4 होना ज़रूरी था, अगर नहीं थी तो हम लगा देते थे, और यहाँ पे 6 होना ज़रूरी है, अगर नहीं होगी तो हम लगा देंगे। अब पेयर बना लेते हैं 1, 2, 3 और ये अकेला। चलें जी, तो 2 2 ज़ा 4, सही है, हमेशा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 2 ऊपर भी हमारा जो आंसर जाता रहेगा वो ऊपर वाले ही जाता रहेगा। ये माइनस होते हैं, ये प्लस होता है, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, डेसिमल आ गया तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल वाली जो वैल्यूज़ हैं वो नीचे उतरेंगी, तो 200 बन गया, इन दो को प्लस किया ये हो गया 4। और अगर 5 लगाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ 225 बन जाएगा शायद, तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे 4। 44, 4 4 16, 16 और 17, सही है, 176 हो गया हमारा। ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, 4 और 4 8, और ये 4 अकेला, इसको माइनस कर लेते हैं। 200 में से 78 माइनस करेंगे तो हमारे पास 76 माइनस करेंगे, 24 बचेगा। आगे वाले जो दो पेयर थे ज़ीरो के, वो हमने उतार लिए। अब 2400 बन गया, तो 2400 के साथ अगर हम 4 लगाते हैं, अच्छा ये 4 यहाँ पर लगा तो यहाँ पर भी लग जाएगा, यहाँ पर 4 लगाया तो यहाँ पर भी लगा लेंगे। 4 4 ज़ा 16, एक ऊपर, अच्छा 20 24 28 32, 32 और एक 33, और 4 4 16 17 18 और 19, ये आ गया। ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस के ये हो गया 8, ये वाला 8, ये 4 और ये 3। 2400 में से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4 6 4। चलें, अब जो अगला पेयर था ज़ीरो का, वो हमने उतार लिया नीचे। चलें, अब इसके साथ कोई ऐसी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 9 है, हम 9 लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि 8 लगाएंगे तब भी कम आ रही है, 9 लगाएंगे तब भी कम ही आएगी, लेकिन क्योंकि लास्ट जो हम लगा सकते हैं वो 9 ही लगा सकते हैं, इसलिए हमने लगा लिया 9। 9 को जब ऊपर वाले पूरे से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 1 0 0 4, सही है। माइनस करते हैं, माइनस किया तो हमारे पास बच गया 2 3 9, सही है, इसको प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया 18, एक ऊपर तो ये बन गया 9, और ये 8 4 और 3, 3 कहाँ से आया भाई, सॉरी ये 3 नहीं आ रहा, ये तो हमने कैरी दिया था ना, ये 3 हमने कैरी दिया था, इस वजह से 4 8 9 8, ये हो गया हमारा आंसर। और किससे किया, 9 से किया, तो ये हो गया हमारा 9। तो डेसिमल के प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस करने, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हो गए, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 6 इज इक्वल टू हुआ किसके, 2 डेसिमल 4 4 9 के, और ये है हमारा इसका आंसर, यह हो गया हमारा इसका आंसर। पार्ट 1 था काफ़ी इजी सा, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ, और अब थोड़ी सी स्पीड जो है हमारी तेज़ हो जाएगी। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8, ये 1 नहीं है, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ 8, तो डेसिमल लगाएंगे और 6 ज़ीरो आगे लगा देंगे, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर, और ये अकेला
अब इसको जो है हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 2 से करें 2 2 ज़ा 4, 8 में से 4 गए तो 4 बचे, ये प्लस हो जाएंगे तो ये हो गया 4, और डेसिमल है तो डेसिमल लगा के आगे वाले दोनों ज़ीरो हमने नीचे उतार लिए। 4 के साथ 8 लगाते हैं तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 3 8 4, सही है। 400 में से 3 8 4 माइनस करते हैं, हमारे पास बचेगा 16 16, ऊपर वाले दो ज़ीरो का पेयर फिर उतार लिया, 8 और 8 16, और 1 ये हो गया 5 56। अच्छा जी, तो 56 56। तो आपको तो सवाल नज़र ही नहीं आया, चले देखें, ये रहा हमारा सवाल, फिर से देख लें एक बार। 2 2 ज़ा 4, क्योंकि अगर 3 3 से करके 9 आ जाएगा तो बड़ा आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 किया, 2 ऊपर भी लिख दिया और इधर, इसके बाद आगे ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे लिख लेते हैं 8 8 और 8 16, 6 और 1 ऊपर किया तो ये बन गया 5 4 और 5, सही है। अब 56 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाना है कि 1600 हमारे पास आ जाए या 1600 से कम आ जाए, तो देखें अगर 56 के साथ 3 लगाएंगे तो कुछ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना हमारा, तो हम लगा देते हैं इसके साथ 2, हम इसके साथ लगा देते हैं 2, 2 में हमारे पास वैल्यू तो थोड़ी छोटी आ रही है लेकिन 1600 से तो छोटी है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10 और 11, सही है, 11 24। ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, 2 और 2 4 6 इधर और 5 ऐसे ही, 1600 में से माइनस करेंगे 1124, तो हमारे पास आ जाएगी 476। 2 लगाया था तो 2 इधर लगा देता, अगला जो हमारे पास वो था पेयर था वो हमने नीचे लिख लिया। चलें अब हम इसके साथ कोई वैल्यू लगानी है तो हम 8 लगाते हैं, क्योंकि 9 में बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, 50,000 के ऊपर जा रहा है, तो 8 लगा लेते हैं, और 8 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48154, सही है। तो हमने 8 लगाया तो 8 हम इधर भी मेंशन कर लेते हैं, इसे करते हैं माइनस और इसे करते हैं प्लस, तो जब हमने 47600 से माइनस किया तो हमारे पास बचा 2416, 8 और 8 16, 1 ऊपर तो ये बन गया 5 और ये 6 और ये 5, सही है जी। तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस होगी, इसका मतलब हमारा सवाल हो गया सॉल्व, और आपकी बुक में भी इसका आंसर 2.828 ही मेंशन है, तो लिख लेते हैं कि 8 का जो हमारा स्क्वायर निकला वो कितना निकला, 2828, ये हो गया हमारा इसका आंसर। काफ़ी आसान से क्वेश्चन थे, और माजत खाऊँ कि आप पूरा क्वेश्चन ना देख सकें, लेकिन काफ़ी ईजी, जिस तरह से पीछे लगी इसी तरह से ये होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 ईजी है, दो नंबर तो आ गए, दो डिजिट तो आ गए, लेकिन डेसिमल नहीं दिया, तो लास्ट में डेसिमल लगा लेंगे और 6 जो ज़ीरो हम खुद उसमें ऐड कर लेंगे, तो एक पेयर दो पेयर और ये चार पेयर, चारों पेयर बन गए, तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा जो है 16 होता है, तो 3 से जाएगा 3 3 ज़ा 9, 11 और 9 तो बल्कि 4 नहीं 2 बचेंगे ना, तो बच गए 2, सही है, और डेसिमल लगा दिया तो ऊपर वाले दोनों जो हैं ज़ीरो अगर इनको प्लस किया तो ये हो गया 6, 6 के साथ कोई वैल्यू लगानी है कि हमारे पास क्या आ जाए, 2, तो 3 लगाते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, और यहाँ पे भी 3 लग जाएगा, ये तीनों 3 दोनों 3 हो जाएंगे प्लस, ये हो गया 6 और ये हो गया 6 और ये कर देंगे इनको माइनस, तो 11 बच जाएगा, ऊपर वाले दोनों ज़ीरो आ जाएंगे नीचे। 66 के साथ कोई ऐसा वैल्यू लगानी है कि ये आ जाए, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 1 ऊपर तो ये 1300 बन जाएगा, तो इधर हम लगा देते हैं 1 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6 और 1 6 ज़ा 6, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे भी लगा देते हैं 1। अच्छा जी, तो 1 और 1 2, 6 और 6 11 में माइनस किया
तो हमारे पास ये बन गया 10, ये बन गया 9, तो 10 में से एक गया तो 9, 9 में से 6 गए तो 3, और ये एक इसको दे दिया तो ये बन गया 10, 10 में से 6 गए तो 4। ऊपर वाले जो दोनों जीरो थे नीचे ले आए। चलें जी, 66 के साथ, 662 के साथ हम क्या लगाएं, तो 6 लगाते हैं, तो 6 6 36, 6 2 12, 13 14 15, 6 36 और 37, 6 36 और 37, 38 39 39, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, 6 6 12, एक ऊपर चला गया तो ये हो गया 3, ये 6 और ये 6, 43 में से माइनस किए तो हमारे पास आ गया 1 4 1 44, और 6 लगाया है तो 6 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। चलें जी, तो 11 का स्क्वायर हमारा क्या निकला, 11 का स्क्वायर हमारा निकल गया 11। आप थोड़ा सा खुला खुला करके लिखें, क्योंकि एक तो मोबाइल में इसको लिख नज़र भी आना चाहिए आपको, और जगह भी थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से मैं लाइन नहीं छोड़ रहा, लेकिन आपने खूबसूरत सा करके लाइन छोड़ के अच्छा अच्छा करके लिखना है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये सवाल सॉल्व, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलें, ये है पार्ट नंबर 4 और थोड़ा सा लेंदी है, तो देख लें, बल्कि थोड़ा सा नहीं, इस आगे वाले आने वाले और भी लेंदी होंगे। तो 155 से दिया हुआ, लेकिन डेसिमल नहीं दिया हुआ, तो डेसिमल हम खुद डाल के और 6 0 जो है यहाँ पे लगा लेंगे। ये दो जीरो का पेयर, ये दो का, इन दो का पेयर, और ये अकेला रह गया, तो 1 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 1 1 1 माइनस हो गया, तो 55 आ जाएगा नीचे, इनको प्लस कर लिया तो ये हो गया 2। यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्योंकि अगर 3 लगाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 55 में से 44 माइनस के तो हमारे पास आ गया 11। अब आगे दो जीरो लेकर आने, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और फिर ऊपर वाले दो जीरो यहाँ पे ले आएंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया प्लस। अच्छा, तो 24 के साथ 4 लगाते हैं, तो और यहाँ पे भी 4 लगाते हैं, यहाँ पे भी 4 लगा देते हैं, तो जब 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4 4 ज़ा 16, 1 ऊपर, 4 4 ज़ा 16 और 7 और 1 ऊपर, 4 2 ज़ा 8 और 9, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2। 1100 में से 976 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 1 2 4 124, ऊपर वाले दो जीरो उतार लिए यहाँ पे। चलें जी, अब हम अगर यहाँ पे 5 लगाते हैं, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमारे पास 12425 बन रहे हैं, जो कि ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम 4 से कर लेंगे, और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9936, सही है, 9936। अब 9 जब इसको माइनस किया तो हमारे पास बच गया 2464, और 4 और 4 8, ये वाला भी 8, ये 4 और ये 2। अब आगे देख लेते हैं, आगे इसके साथ दो जीरो और लगाने हैं, तो 2 4 2 4 6 4 और 00, 8 के साथ कुछ ऐसी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 9, हम 9 को लगा देते हैं, 9 को हम लगा देते हैं, और 9 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 22 4 00 और 1। चलें जी, इसमें से इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद, चलें, कॉल बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो इसको माइनस किया, पता नहीं कहाँ से बात कहाँ रह जाती है, इसको डिस्टर्ब, सॉरी, इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया 22399, इनको प्लस किया तो ये हो गया 18, ये हो गया 9, ये 8, ये 4 और ये 2, तो 155 नज़र आपको आ रहा होगा, ये 155 का जो स्क्वायर हमारे पास निकला। अच्छा, ये वैल्यू तो लिखी नहीं, 1 4 ये रहा, 2 4 और 9, 1 4 ये और 1 9, तो हमारा जो इसका आंसर है वो आया 12.449। बुक में आप देख लें, बुक में भी इंशाल्लाह आपको यही आंसर मिलेगा। तो यहाँ तक हो गया हमारे पार्ट नंबर 4 कंप्लीट, चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। चलें जी, 205 दे दिया इन्होंने, लेकिन अब इशू क्या है, मसला ये है कि डेसिमल नहीं दिया, तो डेसिमल हम लगा लेंगे और उसके बाद जो है ख़ुद से 6 0 का इजाफा कर देंगे, 0 का इजाफा कर देंगे, इसका पैर, इसका पैर, इसका पैर, इन दोनों का पैर, और ये 2 अकेला,
तो टू अकेला है तो टू के टेबल से तो नहीं कर सकते, तो वन के टेबल से करेंगे, तो वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन, दो में से एक गया एक बचा, और ऊपर से 0.5 नीचे उतार लिया, इन दो को प्लस किया ये हो गए टू। टू के साथ कोई वैल्यू लगाएं तो फोर लगा देते हैं, फोर फोर ज़ा 16 और फोर टू ज़ा 8 और 9, 96 बन गया, सही है। अगर 5 लगाते तो बड़ा हो जाता। चलें जी, अच्छा 105 में से 96 निकाल दिए तो 4 ये और 5 वो, तो 9 बच गया, और इनको प्लस किया ये हो गया 8, ये हो गया 2, 4 से किया है तो 4 हमने ऊपर भी लिख दिया। डेसिमल से आगे वाले उतारने, तो डेसिमल लगा के अब आगे वाले जो ज़ीरो थे वो हमने नीचे की तरफ उतार लिए, ये बन गया 900। 900 को अगर हम करते हैं 4 से तो 4 4 ज़ा 16, एक ऊपर, तो 4 8 ज़ा 32, 33 इधर और एक ऊपर, और ये 4 8 ज़ा, तो बहुत ज़्यादा बन रहा था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 से कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 लिख लें, 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 7 और 8, ये माइनस ये प्लस, 3 और 3 6, ये 8, ये 2। अच्छा 900 में से ये निकाल दिए तो 51 बचे, और ऊपर से 2 0 आ गए नीचे, ये बन गया 551 100, 5100 पूरा बन गया। तो इसके साथ आप कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं, तो अगर हम 2 भी लगा देते हैं यहाँ पे लगा के देखते हैं, 286 के साथ अगर हम 2 लगा देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और 17, 2 1 2 2 ज़ा 4 और 5, तो ज़्यादा बन रहे, तो 2 भी नहीं लगा सकते हम, सिर्फ किससे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 लगाए, इधर भी 1 लगाए और इधर भी 1 लगाए, 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, 1 8 ज़ा 8 और 1 2 ज़ा 2, इनको माइनस करेंगे, इनको प्लस करेंगे, 1 और 1 2 और 6 एज इट इज़ 8 और 2 ऐसे। चलें इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 2 3 9। अच्छा जी ये वाला ज़ीरो आ गया, ये वाला ऊपर से भी एक ज़ीरो रहता है, तो वो दोनों ज़ीरो हमने यहाँ पे उतार लिए, 22 39 और 00। इसके साथ अगर हम लगाएंगे 8 तो ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन कोई इशू नहीं, अगर ज़्यादा भी आता है तो नहीं, मसला कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है सवाल ही ख़त्म हो गया, लेकिन क्योंकि 8 ज़्यादा आ रहे तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे 7। 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9 8 3 0 0 2, इधर भी 7, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, 7 7 14, एक ऊपर ये 3, ये 6, ये 8, ये 2, और इससे माइनस कर देते हैं इसको, तो ये 2 2 3 9 00 हमारे पास बच जाएगा 23 5 1 1, और 7 से किया तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। सही जी, सवाल हमारा हो गया यहाँ पे सॉल्व, आपने एक लाइन छोड़ के लिखना है, लेकिन क्योंकि चल मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, तो 5 205 किसका स्क्वायर बराबर है, ये है 14.317 के, और यही आपका जो है बुक में भी आंसर गिवन है। तो ये हो गया पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलें जी पार्ट नंबर 6, तो पार्ट नंबर 6 का मैं पहले आपको एक बता दूं कि इंग्लिश वाली बुक में जो इसका आंसर है वो बैक साइड पे गलत दिया हुआ है, उन्होंने जो है डायरेक्ट 72 का 73 का जो है आंसर दिया, बल्कि ना कि 7.3 का, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7.3, तो वो जो आंसर वहाँ पे दिया हुआ है गलत है, आखिर में देखेंगे भी कि क्यों गलत है, लेकिन फिलहाल इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें आसानी इन्होंने थोड़ी सी कर दी, क्या डेसिमल के बाद एक वैल्यू दे दी, तो डेसिमल के बाद हमें 6 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, लेकिन इन्होंने एक दे दी तो अभी 5 चाहिए, जो हम खुद 0 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 और 5, इन दोनों का पैर, इन दोनों का पैर, इन दोनों का पैर, और 7 अकेला, अगर 3 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा ज़्यादा, तो 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, सही है, 5 6 7 3 बच गए, 3 इधर लिख दिया। अब आगे डेसिमल वाली वैल्यू, तो डेसिमल लगा के 3 0 हमने लिख लिया नीचे, ये हो गया 4, इसको माइनस किया था तो इनको किया था प्लस, 4 के साथ अगर हम वैल्यू लगाते हैं 7 7, तो 7 लगा लेते हैं, 8 लगाएंगे तो बड़ी आ जाएगी, तो 7 7 ज़ा 49, सही है, 9 इधर 4 ऊपर, 7 4 ज़ा 28 और 4 29 30 31 32, सही है, 329, इसको प्लस कर लेंगे, ये हो गया 14, एक ऊपर चला गया तो ये बन गया 5 54,
चलें इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10, एक बच गया। ऊपर से दो ज़ीरो डेसिमल लगा दिए तो 7 लगा देते हैं, दो ज़ीरो ले आते हैं। अब इसके साथ हम कोई भी वैल्यू लगाएंगे ना, कोई भी लगा दें तो बड़ा ही आएगा इससे, क्योंकि ये 100 है, ये 501 हो जाएगा, 5541 हो जाएगा, तब भी ज़्यादा ही आएगा। तो ज़ीरो लगा देते हैं और इस पूरे को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0000, 04000 और 05000, यहाँ पे भी लगा देते हैं ज़ीरो। सही जी, ये बात समझ में आ गई। अगर हम 1 भी लगाएंगे तब भी ये बड़ा ही होगा, क्योंकि ये 541 बन जाएगा और ये तो 100 है, जाहिर सी बात है 541 100 से बड़ा है। तो जीरो से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, जगह अभी जीरो आ गया, 100 में जब जीरो माइनस किया तो हमारे पास 100 वापस पूरा पूरा आ गया और ऊपर से उतार लिए 100। अच्छा, जीरो में जीरो प्लस किया तो दो ज़ीरो ही आएगा और 540 पूरा बन गया, 540 और ये कितना है 10,000। तो क्या लगाएं, तो देखें अगर 540 के साथ हम 2 भी लगाते हैं तब भी इससे बड़ा ही आएगा, लेकिन अगर लास्ट में बड़ा आ भी रहा है तो कोई इशू नहीं है। और गालबन आपकी बुक में के लास्ट में भी जो आंसर दिया हुआ है वो भी 2 के साथ ही दिया हुआ है, मैं चेक करता हूँ अभी और आपको बताता हूँ। तो खैर इसका तो आंसर ही गलत है ना, 7 का तो आंसर ही बुक के लास्ट में गलत दिया हुआ है। तो हम इसको 1 से ही कर लेते हैं और ये 1, तो जब 1 से इसको किया तो 4501 यही आएगा। 10,000 से इसको कर लेते हैं तो हमारे पास बच गया 4599 और यहाँ पे लगा दिया 1। चलिए जी, इसको आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर हमने लिखा 7.3 का जो आंसर है वो हमारे पास 2.701 है, ये हो गया आंसर। अब आते हैं बुक की तरफ, तो बुक में देखें, ये देखें 2.4 का 7.3 और लास्ट में जो इसका आंसर दिया है अगर उस पर हम गौर करें तो ये देखें, एक मिनट, ये देखें 2.4 और इसका बी का 6 का जो आंसर है 8.544। तो अगर हम 8.544 को मल्टीप्लाई करते हैं 8.544 के साथ तो हमारे पास 72 कुछ बन रहा है, और अगर ये पूरा हो जाए तो 73 पूरा हो जाएगा। तो यानी कि उन्होंने 73 के हिसाब से आंसर निकाला है और जो सवाल दिया है वो 7.3 का दिया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलें, ये है पार्ट नंबर 7 और 125.79 यानी कि दो वैल्यूज इन्होंने दे दी, बाकी चार वैल्यूज हमें लगानी पड़ेंगी जो कि हम लगा लेंगे 4 0। तो इन दो का पेयर, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर और 1 अकेला, तो 1 अकेला है तो 1 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 हो जाएगा 1, ये हो जाएंगे प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो कुछ भी नहीं, 25 आ गया नीचे। अच्छा, अगर हम 5 5 25, 2 के साथ अगर हम 5 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 के साथ हम 1 लगा लेते हैं। अगर 2 लगाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4 44 बन जाएगा, तो 1 लगा लिया, नीचे भी 1 लगा लिया, यहाँ पे भी 1 लगा लिया, 1 1 1 1 2 2, ये 2 हो जाएंगे प्लस, ये हो गया 2 और ये ऊपर वाला 2 और 25 में से 21 माइनस कर दिए तो हमारे पास बच गया 4। डेसिमल आ गया तो डेसिमल लगाएंगे और 79 आ गया नीचे। चलें जी, 22 और 479, तो इसके साथ भी हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा दें, 2 2 4 2 2 4 और 2 2 4, सही है। अगर 9 लगा देते तो ज़्यादा हो जाता, उनको प्लस कर लें, ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे और इसमें से इसको कर लें माइनस, तो बच गया क्या 35, 35 दो ज़ीरो पर से जो लगाए थे पेयर से वो नीचे आ गए। इसके साथ हम लगा लेते हैं 1 और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 से जो मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 1 4 4 1 2 2 और 1 2 2, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2। अच्छा जी, तो ये बन गया 10, ये हो गया 9, 10 में से 1 गया 9 बचे, 9 में से 4 गए तो 5 6 7 8 9, 5 बचे, सही है। और 4 में से 2 गए तो 2 बजे, 3 में से गए 12,
59 हो गया, ऊपर के जो दो जीरो थे आगे नीचे। अच्छा तो अब इसके साथ कोई वैल्यू लगानी है तो अगर हम लगाते हैं 5 तो हमारा काम जो है बन जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1 1 2 1 2 5 1 1 2 और 1 2 5। अच्छा 5 लगाना है तो 5 लगा लिया, 5 लगा लिया और 5 इधर भी लगा लिया, इन दोनों को प्लस कर दें, ये हो गया 10, एक ऊपर गया तो ये हो गया 3 4 2 और 2। इसको माइनस कर लेते हैं 125900 में से, तो हमारे पास बच गया 13775। 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए और यहाँ पर भी हो गए। हम अपना आंसर जो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, वो 12579 का जो आंसर वो हमारा हुआ 11.215। ये हो गया इसका आंसर 12579 का आंसर 11.215 हो गया। अच्छा यहाँ तक होगा हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट, पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलें ये है पार्ट नंबर 8 और इसको करना भी हम स्टार्ट करते हैं। तो जगह की किल्लत होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल जिस तरह से सवालों करने का चीज़ है उस तरह से करिएगा। 1 4 6 8 डेसिमल 9, तो डेसिमल के बाद हमारे पास एक वैल्यू है तो 5 जीरो हम खुद लगा लेंगे, 6 वैल्यू जो है वो पूरी कर लेंगे, तो 14 आ गया। 5 5 जो 6 6 4 4 16 है, ज़्यादा है तो 3 3 से कर लेते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 3 और 3 6, 14 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास बच गया 5 और 63 आ गया एज इट इज़ नीचे, सही है जी। अच्छा अब आगे देखें, 63 नीचे, 6 के साथ कोई वैल्यू लगानी है तो 8 लगाते हैं, 8 यहाँ पे भी और 8 यहाँ पे भी, तो 8 8 64 8 6 48 49 50 51 52 53 54, तो ये बन गया 54। 8 और 8 16, एक ऊपर चला गया तो ये बन गया 7, 76 हो गया ये, सही है। 568 में से माइनस किए 544 तो हमारे पास बचा 24। 90, अब 90 क्योंकि डेसिमल के उस तरफ है तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और 90 हम नीचे उतार लेंगे। 3 लगाते हैं, 3 3 9, 3 6 12 और 3 7 21 और 22, सही है 21 और 22। अच्छा यहाँ पे आएगा 8, सही है 3 3 9 और 3 6 18 और एक ऊपर चला गया, 1 8 इधर आ गया और ये इधर चला गया 21 और ये हो गया 22। अच्छा किससे किया, 3 से, तो 3 हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अच्छा तो 3 और 3 6, ये वाला भी 6 और ये 7, 24 में से 90 माइनस किए, 24 में से 89 माइनस किए तो हमारे पास बच गया 201 और ऊपर से जो 20 थे हमने उतार लिए यहाँ पे। इसके साथ 2 लगाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और ये 13 और 2 7 ज़ा 14 और 15, 15 3 2 4। चलें इसको प्लस करें, इसको माइनस करें, ये हो गया 4, ये 6, ये 6, ये 7, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4776। ऊपर से 20 और ले आते हैं और 2 से किया है तो 2 हम यहाँ पे लगा लेते हैं, 6 से करते हैं इसे, तो 6 से अगर हम करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 4 5 9 8 7 6। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो इससे जब निकाला तो हमारे पास बचा 1 1 7 7 2 4 और इसको किया तो ये हो गया हमारे पास 12, ये 5, ये 6 6 और ये 7,
इसका आंसर क्या आया? आंसर इसका मेंशन कर लेते हैं, तो 1468 पॉइंट डेसिमल का जो आंसर हमारे पास आया वो आया 38.32 और ये 6, सही है जी। तो यहाँ तक हमारे 8 पार्ट्स हो गए कंप्लीट। देखते हैं इसके पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 को। चलें जी, सेकंड लास्ट पार्ट है, इसको शुरू करते हैं। तो 27 तो दिया तो हुआ है, लेकिन दो जीरो कम है, तो हमने दो जीरो लगा लिया। इन दो का पैर बन गया, इन दो का पैर बन गया, इन दो का, इन दो का, इन दो का और इन दो का भी पैर बन गया। तो 4 के टेबल में 16 बढ़ जाता है, तो हम 3 से कर लेते हैं, 3 3 9। 12 में से 9 निकाले तो बचा 3 और 9 0 आ गया नीचे। इन दो को प्लस किया, ये हो गया 6। तो 5 लगा लेते हैं यहाँ पे और नीचे भी 5 से, 5 5 25 5 इधर और 2 ऊपर, 5 6 30 31 और 32 325। तो किससे किया है? 5 से किया है, तो 5 यहाँ पे भी हमने मेंशन कर लिया। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया 70। इसमें से माइनस किए तो हमारे पास बचा 65, 48 आ गया नीचे, सही। इसके साथ हम 9 लगा लेते हैं, सबसे बड़ी वाली वैल्यू 9, तो 9 9 18, एक ऊपर चला गया और यही एक आ गया। 9 9 81 ना, तो 81, 9 9 81 81 पूरा लिख लिया। और 9 7 63, सही है। 9 और 9 18 18 कैसे लिखते हैं? तो 8 इधर और एक ऊपर, यही एक नीचे आ गया, तो ये 7 इधर हो गए, 718 हो गए। और इसको माइनस किया हमने तो हमारे पास बचा 167। अब डेसिमल है तो 9 से किया है, तो 9 इधर लिख देते हैं, सही है। डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया, अब डेसिमल से आगे वाली जो वैल्यू थी 27 वो हम नीचे की तरफ ले आए। अब इधर 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, 2 2 4 2 8 16, 1 ऊपर, 2 1 2 और ये 3 2 7 14, सही है। 14364 आ गया। 1600 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 2300 और दो जीरो ऊपर से आ गए नीचे। इन दो को प्लस किया, ये 4, ये 8, ये 1 और ये 7। 4 के साथ 3 मेंशन कर देते हैं, 4 करेंगे तो ज़्यादा जवाब ऊपर तक जाएगा, तो इनको प्लस कर लेते हैं। ये सब प्लस हो रहे हैं एक दूसरे के, यानी कि इस पट्टी में प्लस हो रहे हैं। 9 6 3 3 6 4 8 1 और 7। चलें जी, अब इसको जब 3 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया 21 5 2 9। माइनस कर दें तो बन गया 20 7 7 1 और ऊपर से जो दो ज़ीरो थे वो हम नीचे की तरफ दे आए। यहाँ पे क्या लगाया है? पहले हमने लगाया 2, फिर हमने लगाया 3, तो 2 भी इधर लगा देते हैं और 3 भी इधर लगा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ लगाना है, कोई वैल्यू ऐसी, तो इस यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं सही है, 2 हमने लगा दिया। 2 लगाने के साथ इसको आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, पहले प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये 6, ये 4, ये 8, ये 1 और ये 7। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1 4 3 6 9 2 4। माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारे पास आ गया 4 6 0 1 7 6, सही है। आप करके देखें और बताएं कि आपका भी जो आंसर है वो यही आ रहा है। और ये हमारे पास आ गया, ये चलिए आंसर हमारा क्या निकला यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। आंसर हमारा निकला 129048 डेसिमल 27 का जो आंसर है हमारा वो निकला 359 डेसिमल 23 और ये ऊपर वाला 2, ये 2, सही है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 9।
आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10 की तरफ, और हमारा लास्ट पार्ट होगा ये आज की इस वीडियो का। चलें जी, ये लास्ट पार्ट है और इसे हम करना सॉल्व स्टार्ट करते हैं। देखें, 5 5 25 होगा, तो 5 यहाँ पे भी लिख लिया और 5 यहाँ पे भी लिख लिया, इनको प्लस किया तो ये हो गया 10। 25 हमने यहाँ पे भी लिखा था, तो यहाँ पे भी जो 5 है वो भी लिख लिया। 33 में से 25 निकाल दिए, तो 26 27 28 29 30 31 32 33, तो 8 बची, 8 आ गया यहाँ पे, और ऊपर से 5 5 आ गया नीचे, तो ये हो गया 8 5 5, सही है। तो इसके साथ हम 7 लगा लेते हैं, तो 7 7 हो गया 14, ये 1 ऊपर जो गया था वही नीचे आ गया, और ये 1, तो बन गया 1 1 1 4। अच्छा, अब इसको 7 को इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 7 4 9। माइनस करते हैं, माइनस करके आ गया 1 0 6, और डेसिमल वाली वैल्यू है तो डेसिमल हमने यहाँ पे, सॉरी, 7 भी इधर लगा देते हैं, और अब लगा देते हैं यहाँ पे डेसिमल, सही है, और ये 30 आ जाएगा नीचे। अच्छा, डेसिमल के बाद दो वैल्यूज तो थी, लेकिन हमें 6 वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो 2 0 हम खुद अपनी तरफ से लगा लेंगे, तो ये बन गया यूनिट 10 100 1000 10000 10630। 9 लगा देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, तो हमने 9 लगा दिया, 9 9 हो गया 18, एक इधर गया तो ये हो गया 5, ये 1 और ये 1। अच्छा जी, तो 9 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1 0 3 4 1। माइनस करते हैं, माइनस किया तो हो गया 289। ऊपर से जो 2 0 थे पेयर बनाए नहीं थे, चलिए पेयर बना लेते हैं, ऊपर से जो 2 0 का पेयर था वो आगे नीचे। 2 से करते हैं, 2 से ये हो गया 4, प्लस कर लेते हैं इनको पहले, ये 8, ये 5, ये 1 और ये 1, और 2 से सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 2 3 1 6 4। मल्टीप्लाई करें तो यही आपके पास आंसर इसका आएगा। चलें जी, ये 4 है, इसके साथ एक बार 4 लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने 7 के बाद किया था 9 से, और फिर हमने किया था 2 से, और अब हम करने लगे हैं 4 से, सही, तो यहाँ पे भी लगा लिया 4। तो 4 को, अच्छा, इनको माइनस सबसे पहले तो माइनस कर लेते हैं, तो जब माइनस किया हमारे पास आया 5 7 3 6, और ऊपर से जो 00 का पेयर था वो हमने लगा दिया। 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 4 6 33 7 और 6, 4 4 8, ये वाला 4, ये 8, ये 5 और ये 11। माइनस कर लेते हैं, तो माइनस जब किया 1 1 0 2 2 4, और ऊपर हमारे पास कंप्लीट हो गया, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसका आंसर मेंशन कर लेते हैं, तो 3 3 5 5 30 का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 57.924। 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर हमारे पास इसका आंसर ये आया, और ये हमारा आंसर, और बुक के लास्ट में भी आपको यही आंसर इंशाल्लाह दिया हुआ होगा। तो ये एक्सरसाइज हुई हमारी कंप्लीट, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझा होगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन रही है क्योंकि एक्सरसाइज भी हमारी थोड़ी लेंदी होती जा रही है, तो वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं पे किसी भी जगह समझने में परेशानी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।